अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सदीका नूरीन फ्रॉम effectsforever.com। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, आप मुझे बताएं कि मैंने वेडनेसडे वाले दिन जो गोल्ड का एनालिसिस दिया था, उससे किस किस ने प्रॉफिट अर्न किया और किस किस ने उसको छोड़ दिया। और मेरे पास जितने भी ग्रुप्स में एड हैं, मेम्बर्स हैं, VIP ग्रुप में या फ्री में, उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट लिया। शुरू करते हैं अपना आज का एनालिसिस। और आज गोल्ड में पहली बात तो ये कि आप गोल्ड में ये देखें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ है ये वाला ना, 1830 से 1833 वाला। और इस टाइम दो दफ़ा यहाँ से गोल्ड रिजेक्ट हुआ, यहाँ तकरीबन उन्होंने उसने डबल टॉप बनाया। और अभी भी यहाँ पे आप देख लें, कल जब गोल्ड फॉल डाउन हुआ तो यहाँ पे उसने टॉप बनाया था और आज उसने वहीं से पुल बैक लिया। और अभी तक मैं अपने ग्रुप में तो मैं सिग्नल दोपहर में इसका शेयर कर चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 70 ट्रेड जो है वो मेरी प्रॉफिट में चल रही है। बाकी अब देखते हैं कि गोल्ड अपना ये जोन तो नहीं तोड़ सका अभी फिलहाल, अभी के हिसाब से। और अभी जो है गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड अपनी इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। टच करने के बाद या तो ये यहाँ से पुल बैक होगा, अगेन इस जगह पर आकर ट्रिपल टॉप बनाएगा, या यहीं से रिजेक्ट होके ये डाउन गिरेगा अपने इस एरिया तक। और दूसरा सिनेरियो जो ये बन रहा है उसमें ये है कि गोल्ड अपने इस वाले जोन को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद 1840 तक गोल्ड जाएगा ऊपर। गोल्ड की क्लोजिंग जैसे 1830 से ऊपर होगी, 1840 1850 लाजमी गोल्ड हिट करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।